ने एग्जामिनेशंस को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातें जो है जारी की हैं। तो क्या है महत्वपूर्ण बातें, इस चीज को आपको भी जान लेने जरूरी है, क्योंकि 31 मई को एग्जामिनेशन जो होने वाले, उससे पहले क्या क्या सावधानी बरतनी, इन सारे बातों की जानकारी जरूर जान ले। तो चलिए उस PDF की ओर आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस किस का प्रकार का आपको सावधानी बरतनी है, क्या क्या चीज़ उसमें जरूरत होंगे, मतलब कंप्लीटली नॉलेज आपको देने वाले। तो वीडियो के साथ अंतिम तक जरूर बने। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, परीक्षाओं के आयोजन के द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। तो क्या चीज़ जब आयोजन किया जाएगा तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, उसी के विषय में यहाँ पर बात करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे यह इस पॉइंट पर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो साफ साफ जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर DLED परीक्षाओं के सभी सभी प्रमुख विषयों में प्रश्न पत्र के 3 सेट प्रयोग किए जा रहे हैं। बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि अगल बगल में बैठने वाले शिक्षार्थियों को एक जैसे सेट ना मिले। यानी कि कहा जा रहा है कि सारा को जो सबको जो अलग अलग सेट आपको मिलेंगे, जो कि अलग अलग टाइप्स का होंगे। यहाँ पर जो बैठने की योजना का प्रारूप अनुल्लंघन 2 पर संलग्न है। नेक्स्ट जो लिखे हुए, प्रश्न पत्र बांटने के बाद शिक्षार्थी को प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना रोल नंबर लिखने के लिए कहा जाए। यानी कि जैसे प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहले आपको रोल नंबर जो है आपको लिखना जरूरी है। फिर लिखे हुए, निरीक्षक प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए स्थान में हस्ताक्षर करेंगे। यानी कि जो भी वहाँ का टीचर होंगे, जो भी वहाँ का आपका वहाँ पर जो देख रेख करेंगे, वो आपके जो है क्वेश्चन पेपर पर सिग्नेचर करेंगे। अगला पॉइंट लिखे, किसी भी शिक्षार्थी को परीक्षा विशेष के लिए निर्धारित समय से आधा समय समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़कर जाने की अनुमति ना दें। यानी कि कहा जा रहा है कि जब तक आधा समय कम से कम बीत ना जाए, तब तक आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर आगे लिखे हुए, उत्तर पुस्तिका परीक्षा आरंभ होने से 15 मिनट पहले बांटी जाए। यानी कि उत्तर जो पुस्तिका होगा स्टार्टिंग होने से सबसे 15 मिनट पहले, जैसे 2:30 बजे से स्टार्टिंग है, तो 15 मिनट जो है पहले ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उस पर तरह तरह का चीज़ भरने के लिए होंगे, उस सब सारा चीज़ के बारे में। तो क्या क्या चीज़ भरने होंगे यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, हम आपको लिए उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो बना के आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ आपको उसमें फिल करने है, पूरा का पूरा डिटेल बता देंगे। फिर नेक्स्ट जो लिखे हुए, NIS मुख्यालय का मूल्यांकन विभाग परीक्षा शुरू होने से पहले प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए रिक्त उत्तर पुस्तिका भेजेगा। यानी कि खाली उत्तर पुस्तिका जो है भेजे जाएगा। फिर क्या लिखे हुए यहाँ पर, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के सिद्धांत परीक्षा हेतु केंद्र अधीक्षकों के लिए दिशा निर्देशक को DLED परीक्षा के आयोजन के लिए सख्ती से पालन किया जाएगा। मतलब कि बहुत ही खास तौर पर से पालन जो किया जाएगा, जो भी नियम होगा उसका पूरा का पूरा ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें लिखे हुए, NIS सिद्धांत परीक्षा के लिए अनुमति परीक्षा केंद्र व्यय की गणना करेंगे और केंद्र व्यय के लिए परीक्षा केंद्र में होने वाले खर्च 60% अग्रिम राशि के रूप में देने के लिए NIS के परीक्षा केंद्र को बजट आवंटन जारी करेगा। सभी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि के समायोजन तथा बकाया भुगतान राशि करने अथवा अग्रिम राशि भुगतान की वापसी अधिकता। यानी कि अगर किसी प्रकार से कोई भी पैसा अगर एक्स्ट्रा खर्च होते तो सारा जो NIS का जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो दिल्ली है, वहां से सारा कुछ जो है आपको दिया जाएगा। वो चीज़ सारा कुछ इसमें डिटेल लिखा हुआ पर लिखे हुए, निरीक्षक शिक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं के OMR शीट ध्यानपूर्वक भरने का अनुदेश दें। OMR शीट क्या होता है यदि आप नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, क्योंकि हम आपको बताने वाले कि OMR शीट में किस टाइप्स के आपको रहेंगे, क्या क्या चीज़ उसमें फिल करने हैं। अनुदेश दें इस संबंध में शिक्षार्थियों के सहायता के लिए उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर भरी हुई OMR शीट का नमूना दिया गया है, जो कि नीचे में देखेंगे हम लोग इसका OMR शीट के किस टाइप से आपको दिया जाएगा। फिर आगे लिखे हुए, निरीक्षक उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने से पहले जांच ले तथा सुनिश्चित करें कि आरंभ की OMR शीट तथा उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ को शिक्षार्थियों ने सही ढंग से भरा या नहीं। मतलब कि यहाँ पर जो भी शिक्षक है वहाँ का वो देखने के लिए यह निर्देश जारी किए गए कि वहाँ पर जो है ठीक से आप भरे हैं या नहीं भरे। तो आप सभी भी जान लें कि
कि मार्कशीट को किस टाइप से भरे जाते हैं। यदि नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, हम आपके लिए स्पेशलिस्ट वीडियो बनाएंगे। फिर लिखे हुए, कृपया परीक्षा के दिन विशेष के लिए ली आवश्यक संख्या में क्रमानुसार उत्तर पुस्तिकाओं की प्रयोग करें, तथा प्रयोग ना की गई ना ना कि ये उत्तर पुस्तिका को अगले दिन प्रयोग ना करें। नेक्स्ट जो लिखे हुए यहाँ पर, सभी परीक्षाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रयोग ना की गई उत्तर सभी उत्तर पुस्तिका प्रयोग की गई तथा न प्रयोग ना की गई उत्तर पुस्तिकाओं के विवरण के साथ संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को वापस कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि इसमें जो है कि जो भी अगर जो भी मार्कशीट का यूज़ हुआ है, जो भी मार्कशीट का नहीं यूज हुआ, दोनों को जो है मिलाकर जो है हेड ऑफिस इसको भेजने के लिए बात कही जा रही। फिर आगे जो लिखे हुए यहाँ पर, परस्पर बांटने के बाद शिक्षार्थियों को प्रश्नपत्र के प्रथम पृष्ठ पर अपना रोल नंबर लिखने का निर्देश दिया जाए केंद्र। फिर नेक्स्ट लिखे हुए कि यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो भी आपका प्रश्नपत्र बांटा जाएंगे उसमें सबसे पहले आप अपना रोल नंबर को वहां पर लिखेंगे। केंद्र अधीक्षक प्रयोग ना किए गए प्रश्न पत्र एकत्र कराए, उन्हें मुहर बंद करके उसका उस प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्त होने तक अपनी निगरानी में रखें। परीक्षा के दौरान किसी भी समय NIS द्वारा तैनात पर्यवेक्षकों के दल OSD अथवा जांच दल के सदस्य से शेष प्रश्न पत्रों का सत्यापन कर सकते हैं। यानी कि कभी भी मैनेजमेंट वहां पर जाकर आपको जो चेकिंग कर सकते हैं कि कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वहां पर जो भी शिक्षक होंगे वह शिक्षक जो है अपने जगह पर रखें, जो चीज़ नहीं जो स्टूडेंट का प्रश्न पत्र बच गए होंगे। परीक्षा को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटेड जो आप सभी को जान लेने जरूरी है। तो यह वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ताकि इसका आगे का जानकारी हम इसी तरह से देते रहे और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इस प्रकार का जानकारी आपको NIS के एग्जामिनेशन से पहले क्या क्या चीज करने सारा का सारा जानकारी आपको दे देंगे, सटीक देंगे, सबसे अच्छे आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।